नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भूल कर भी ना करें ये चार गलतियां, नहीं तो रद्द हो सकते हैं आपके ई श्रम कार्ड के आवेदन और नहीं मिलेंगे आपको किस्त के पैसे। तो क्या हैं ये चार गलतियां और कैसे आप इससे बच सकते हैं, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, भारत सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, जिसका मकसद यही होता है कि देश के गरीब तबके और जरूरतमंद लोगों को लाभ दिया जा सके। ऐसी ही एक योजना है ई श्रम कार्ड योजना, जिसका लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को दिया जा रहा है। इस योजना में ई श्रम कार्ड बनाया जाता है और फिर कई तरह के फायदे मिलते हैं, जैसे कि हर महीने 500 रुपए की किस्त और 2 लाख रुपए का बीमा और घर बनाने के लिए मदद जैसी कई सुविधाएं। ऐसे में काफी संख्या में लोग इस कार्ड को बनवा चुके हैं और अब भी कई लोग इसके लिए पंजीकरण कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आवेदन करने के बाद कुछ कारणों की वजह से आपका ई श्रम कार्ड पंजीकरण रद्द हो सकता है? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको इसके कारण के बारे में बताते हैं। तो क्या है पहली गलती कि अगर आप पहले से योजना का लाभ न ले रहे हों। दोस्तों, श्रम मंत्रालय ई श्रम कार्ड योजना के अलावा कई तरह की योजनाएं चला रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पहले से श्रम मंत्रालय की किसी योजना का लाभ ले रहा है और वो साथ में ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण करता है, तो ऐसी स्थिति में आपका आवेदन कैंसिल हो सकता है। अगली बात दोस्तों, दस्तावेज गलत ना हो। तो ई श्रम कार्ड बनवाते समय आपको अपने दस्तावेजों का पूरा ध्यान देना होगा। गलती से भी आपके दस्तावेज गलत अपलोड नहीं करने हैं या फिर कोई दस्तावेज छोड़ना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस स्थिति में आपका ई श्रम कार्ड पंजीकरण रद्द हो सकता है। अच्छा, अगली बात, सरकारी पेंशन भोगी न हो। अगर आप पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर सरकारी पेंशन भोगी हैं और आप साथ में ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसे में आपके ई श्रम कार्ड का पंजीकरण रिजेक्ट हो सकता है और जो है संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर न हो। दोस्तों, सरकार की तरफ से ये पहले ही बता दिया गया था कि इस कार्ड की सुविधा केवल उन लोगों को मिलेगी जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार होंगे। ऐसे में अगर आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और EPF, ESIC जैसी सुविधा का लाभ लेने के साथ ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसे में आपका पंजीकरण जो है रद्द हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए एक बटन ही दबाना रहता है, दबाना वो भी नहीं रहता, केवल टच करना रहता है, सब्सक्राइब अपने आप हो जाता है, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं आप। खैर, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय पर, तब तक के लिए।